अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स। बेटा हमने पिछली वीडियो में नज़म खारी को पढ़ लिया था और उसे समझ भी लिया था। आज उसका रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका टाइटल पेज बनेगा, आप भी टाइटल पेज बना लीजिएगा जैसे इस बच्चे ने बनाया, बहुत प्यारा सा अच्छा सा खारी, ठीक है। फिर अगले सफ़े से उसका रिटर्न वर्क स्टार्ट हो जाएगा। राइट साइड पर डेट, फिर कॉलम बनाइएगा, अखर मायना, ठीक है। फिर वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। मैं एक एक पढ़ देती हूँ। नंबर वन है हारी, हारी का मतलब किसान। नंबर टू बनी, बनी में दो वर्टिकली डॉट्स हैं एक के नीचे, ठीक है। बनी, बनी का मतलब खेत। नंबर थ्री अन, अन का मतलब अनाज। नंबर फोर उपाय, उपाय का मतलब उगाता। इसे मैंने बड़ी ये के साथ पढ़ा, आपको पता है सिंधी में बड़ी ये नहीं होती, एक ही ये होती है, उसी को हम छोटी ये और बड़ी ये की आवाज़ के साथ हम खुद ही पढ़ लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसके साथ कौन सी ये लगेगी, ठीक है। उपाय, इसे हम क्या पढ़ेंगे, उपाय उगाता। नंबर फाइव छठे, छठे मतलब छिड़कना। ये टे है, ये छे है, छे के नीचे चार नुक्ते और ये यहाँ पे भी ये की बड़ी ये के साथ आवाज़ आ रही है, ठीक है। छिड़कना, छिटरे मतलब छिड़कना। नंबर एट रास, रास मतलब तैयार। नंबर सेवन लाबारो, लाबारो इसका भी मतलब है फसल की कटाई, ठीक है। नंबर एट ज्यान, ज्यान का मतलब नुकसान। नंबर नाइन बट्टी, बट्टी मतलब बंटवारा तकसीम, सही है। ये नौ वर्ड्स मीनिंग है। ये करने के बाद आपका अगला काम सवाल जवाब का स्टार्ट हो जाएगा। साइड हेडिंग है आपकी सवाल जवाब, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है फसल लहण ताई हारी छा छा कंदो आहे, फसल कटने तक। लहण का वैसे लफ्जी मतलब है उतरने तक, मतलब फसल यहाँ से मुराद होगी कटने तक, मतलब जब तक फसल की कटाई नहीं हो जाती। फसल कटने तक किसान क्या क्या करता है, जवाब है इसका फसल लहण ताई हारी ॾींहुं राति अन अन जी निगरानी कंदो आहे, मतलब फसल फसल कटने तक या फसल की कटाई तक किसान दिन रात अनाज की निगरानी करता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हारी ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदो आहे, हारी ज़िंदगी कैसे गुजारता है किसान जो है, वो जो दूसरों को खाना प्रोवाइड करता है उसी की वजह से हम सब लोग खाते हैं, उसी की वजह से हमें कपड़ा पहनना नसीब होता है, क्योंकि कपास की फसल भी वो उगाता है, अनाज की फसल भी वो उगाता है। तो वो खुद मतलब वो ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए इतनी सहूलियात मुहैया कर रहा है, इतना सब कुछ दे रहा है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, वो अपनी आप ज़िंदगी देखें, हारी ज़िंदगी सादगी गुजारींदो आहे। हारी यानी कि किसान जो है वो अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारता है या सादी गुजारता है। वो सादो खाइंदो आई पहनींदो आहे, वो सादा खाता और पहनता है, ठीक है। मतलब खुद वो दूसरों को तो अच्छे अच्छे खाने खिलाता है, अच्छे अच्छे दूसरों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है, लेकिन उसको वो खुद अपनी उसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है, वो खुद सादा खाता है और सादा पहनता है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री, हारी की ज़िंदगी में केड़ो सबक हासिल करण घुर्जे, हारी मतलब किसान की ज़िंदगी में से, माँ का मतलब में से, किसान की ज़िंदगी में से केड़ो सबक हासिल करण घुर्जे, कौन सा सबक हासिल करना चाहिए। जवाब है इसका हारी जी ज़िंदगी में बेहन जी खिदमत करण जो सबक हासिल करण घुर्जे, किसान की ज़िंदगी से या किसान की ज़िंदगी में से दूसरों की खिदमत, बेहन जी खिदमत मतलब दूसरों की खिदमत करने का सबक हासिल करना चाहिए। क्योंकि बेटा ये असल देखा जाए वो जो भी मेहनत कर रहा है उसका असल फल तो हम ही खाते हैं, मतलब उसको फ़ायदा होता है अपने लिए, वो दाल रोटी कमा लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमें होता है, उसकी वजह से हमें कपड़ा मिलता है, उसकी वजह से हमें ग़िज़ा मिलती है। तो इसका मतलब हमें उसकी ज़िंदगी से यही सबक हासिल करना चाहिए कि दूसरों की खिदमत कैसे की जाती है और दूसरों के लिए मेहनत कैसे की जाती है, ठीक। उसके बाद आगे दूसरा काम है हमारा खाल भरियो, ठीक। खाल भरियो ये बेटा आपकी बुक में नहीं है, ये आपकी बुक में जो है ये मश्क 28, देखें पेज नंबर 28 है और उस पर ये मश्क दी गई है। और ये पहले सवाल जवाब जो हमने किए तीन वो, और इसके बाद ये मश्क बे वो भी आगे हम करेंगे, और हाल भरे नहीं है, हमने खुद से किए, ठीक है। इसमें चार आपकी ब्लैंक्स हैं,
पहला ब्लैंक है हाल भरियो, पहले ये हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग। साइड हेडिंग बेटा रेड लाइन पे नहीं आती, नीचे वाली लाइन पे आती है, ठीक। अच्छा, पहला है ब्लैंक, हारी ही को डैश इंसान आहे, हारी एक अजीम इंसान है, ठीक है। मतलब हारी एक अजीम, इसमें ब्लैंक अजीम है। नंबर टू, हारी सुबह जो सवेर उठी डैश ते वेंदो आहे, हारी सुबह को जल्दी उठकर, सवेर उठी मतलब जल्दी उठकर डैश पे जाता है, कहाँ जाता है, खेत पर बनी, कहाँ जाता है, खेत पर बनी, ठीक है। नंबर थ्री है, हारी ॾींहुं रात मेहनत करे पंहिंजे मुल्क जी डैश में इज़ाफ़ो आणे थो, हारी दिन रात, ॾींहुं रात मतलब दिन रात मेहनत करके अब पंहिंजे का मतलब अपने अपने मुल्क की डैश में इज़ाफ़ा लाता है। किस में इज़ाफ़ा लाता है, पैदावार, ठीक है, आणे थो का मतलब लाता है। नंबर फोर, फसल लहण खां पोइ त हू अहिड़ियूं ख़ुशियूं कंदो आहे ॼण त डैश थी अथसि, ठीक है। अच्छा, फसल लहण, लहण का अभी मैंने बताया लफ्जी मतलब उतरना होता है, यहाँ से मुराद है फसल कटने तक, फसल कटने के बाद, खां का पोए का मतलब फसल कटने के बाद, तो तह का मतलब तो, हू अहिड़ियूं खुशियूं कंदो आहे, वो ऐसे खुशियाँ करता है या मनाता है, यण, यण का मतलब जैसे, जैसे कि ईद हो गई हो, ईद थी अथस मतलब जैसे कि उसकी ईद हो गई हो, इस तरह से वो खुशियाँ मनाता है, ठीक है बेटा। ब्लैंक समझ में आ गई। अब उसके आगे का काम है आपका मुज़क्कर मोनस। देखो बेटा, हमने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखा मुज़क्कर मोनस, आपकी बुक में क्या है, मश्क बे हेठें जा मुज़क्कर ऐं मोनस ठाहियो। आपके एग्ज़ाम में भी इसी तरह से आ सकते हैं कि तमाम, देखो इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें मुज़क्कर भी हैं मोनस भी हैं, ये शफल करके दिए गए हैं। आपको अपनी कॉपी में इसको सॉर्ट आउट करके पहले ये बताना है कि मुज़क्कर कौन सा वर्ड है, फिर उसको मुज़क्कर के कॉलम में लिखना है और फिर उसका आंसर लिखना है। अगर मोनस है तो उसको मोनस के कॉलम में लिखो, फिर उसका मुज़क्कर लिखो। बात आ रही है समझ? अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो पहले ये देखें, आप ये उठ है, उठ का मतलब ऊँट, ठीक है। उठ क्या है, मुज़क्कर है या मोनस है, इसको ये मुज़क्कर है, उठ मुज़क्कर है, तो ये आपने इसको मुज़क्कर के कॉलम में लिखा उठ, ठीक है। अब इसकी मोनस क्या है, डाची, फिर आपने इसका आंसर लिखा। देखो जो बुक में दिए गए हैं उसको हमने ब्लैक पॉइंटर से या पेन से लिखा है, देखा, जो बुक में दिए गए चाहे वो मुज़क्कर हो या मोनस हो। अब ये बुक में दिया गया था उठ, फिर उसका हमने आंसर लिखा डाची, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम में उठ को यहाँ लिख दिया, डाची को यहाँ लिख दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो पूरा टोटली रॉन्ग हो जाएगा, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड मुज़क्कर है या मोनस है, ठीक है। अब दूसरा वर्ड बुक में है मैं, अब इसको ये मुज़क्कर है या मोनस, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मोनस है, आपने इसको मोनस में लिखा, फिर इसके मुज़क्कर में इसका आंसर क्या लिखा, सां, सान मतलब भैंसा, उठ का मतलब मैंने बता दिया आपको ऊँट ऊँटनी, सही है, सा मतलब भैंस भैंसा, ठीक है। और नंबर थ्री है ढगो, ढगो अब यहाँ लिखा हुआ है वो मुज़क्कर है, ये आपने इसको मुज़क्कर में लिख दिया, ढगी गाय, ढगो मतलब बैल और ये ढगी का मतलब गाय, बैल और गाय। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, रिढ़, रिढ़ मोनस है, आपने इसको मोनस में लिखा, फिर घेटो, सही है, घेटो रिढ़ है, सही है, शीप भेड़ को बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद बकरी, बकरी ये तो पता होगा आपको, ये मोनस है, ठीक है। अब इसको आपने मोनस में लिखा, फिर इसका मुज़क्कर लिखा बकरो, ठीक। फिर घोड़ो, घोड़ो क्या है, मुज़क्कर, घोड़ो लिखा मुज़क्कर में, और घोड़ी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, मोनस क्या हो गया, घोड़ी। फिर उसके बाद है वच, वच क्या है, ये मोनस है, वच यहाँ मोनस में लिखा, इसका पाड़ू, समझ में आ गया बेटा। हम एग्जाम में भी इसी तरह से आपको शफल करके दे सकते हैं, देखें मुज़क्कर मोनस और वाहिद जमा, ये तमाम जो ऐसे ग्रामर के वक्त हैं ये शफल होकर मतलब वाहिद भी देते हैं जमा भी देते हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि वाहिद क्या है, उसको किस कॉलम में लिखेंगे, और जमा को जो वर्ड्स जमा में हैं वो उस जमा के कॉलम में लिखे जाएंगे, वो फिर मैं आगे आपको समझाऊंगी। मुज़क्कर मोनस जिस तरह से हमने किया इसी तरह से वो एक्सरसाइज भी होती है, समझ में आ गई बेटा, इसको इसी तरह से करना है, अलग किसी तरह से मत कीजिएगा। यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम नया काम करेंगे। अल्लाह।